नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका जीत रेवी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और इसे पूरा देखोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आज एक नए डिजाइन के साथ। दोस्तों, आज हम बनाते हैं बिजनेस कार्ड डिजाइन कोरल ड्रॉ में। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैटर है, आप देख सकते हैं। इसके न्यू फाइल लेंगे, कंट्रोल एन भी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। और साइज हमारा 3.5 एंड 2 इंच। ठीक है, ये साइज आ चुका है। और फिर हम यहाँ पे जाएंगे, रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आ चुका, ये आप देख सकते हो। कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, ये हमारा 3 mm है। ठीक है, और ये लगा लेंगे गाइडलाइन। सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे ऑब्जेक्ट, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद हम फिर जाएंगे इसको कर्व कर देंगे। ठीक है, शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, एल, और फिर टॉप कर देंगे, ये टॉप। ठीक है, और इसको छोटा कर लेंगे। छोटा कर लिया, ठीक है। फिर कर्व पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करके तो कर्व कर देंगे। ठीक है, और इस कर्व से हमको इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब पहले जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं सारे। कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये आ चुका है हमारा। सिलेक्ट करते हैं तो बढ़ा लेते हैं कर्व को। ठीक है, अब करेंगे इस कर्व को हम थोड़ी से मॉडिफाई। ठीक है, ये फिलहाल ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसको। अब इसको कॉपी करेंगे, फाइल, सॉरी कॉपी, कंट्रोल भी। ठीक है, ये आ चुका है। और इसको भी बड़ा करेंगे। ठीक है, बड़ा कर लिया फिलहाल, और सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये फिलहाल ठीक है। और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा से नीचे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इस लाइन को लाइट एज होनी चाहिए। ठीक है, ये, और फिर इस ऑब्जेक्ट को कॉपी है ऑलरेडी, हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सॉरी, इसको इस तरफ खींचेंगे, देख सकते हो ये बन गया है शेप। ठीक है, और अलग अलग कलर कर लेते हैं इसको। तो हम ऑब्जेक्ट बिल्कुल बैक में कर देते हैं, ऑर्डर बैक। ठीक है, और इस वाले में हम रेड फिल कर लेते हैं, रेड हमारा ये वाला है। ठीक है, और इस वाले में हम येलो या गोल्डन कह सकते हैं, ये गोल्डन फिल कर लेते हैं डी। ठीक, और कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, या ये देख सकते हैं बैक टू वन। ठीक है, इसको कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और फिर तीनों सारे को और राइट क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और इसलिए हमको ठीक है, और फिर इसको
कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर सेट टूल इसे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे ब्लैक कलर पे, ठीक है। और इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसको एक पिटी रख लेंगे और इसमें हम कलर ये करते हैं और फिर हम जाते हैं वाइट में या ये कलर कर देते हैं, ठीक है, ये फिलहाल ठीक है। और इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर जाएंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं इंडक्टिव फिल्टर क्लिक कर दिया, ये भी आ गया। और यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से ये कर देंगे, ठीक है, इसमें वाइट फिल कर देंगे, ठीक है, ये वाइट हो गया। और फिर इसमें इधर कर लेंगे सॉरी इस साइड में, और फिर इसमें कलर फिल करेंगे, यहाँ से सेम वाइट कर लेंगे, सेम वाइट हमारा है 82, 75, 60 एंड 82। ये इसको 60 करें, 75 सॉरी 75 80, ये ठीक है फिलहाल, इसको ओके कर लेते हैं, ये ठीक है। और इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐसे कर देंगे रोटेशन और इसमें येलो कलर फिल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये फिलहाल ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, ठीक है, और इसमें यहाँ से ये ठीक है, और इसमें कोई दूसरा कलर फिल करते हैं फिलहाल, और इसको पेस्ट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर एक पेस्ट करते हैं, मैंने कॉपी कर रखी है, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी डाउन कर देंगे, ठीक है, इसमें भी फिलहाल कोई कलर डाल लेते हैं। और ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करके इसको जाएंगे, इसको नपडेट कर देंगे, ठीक है फिलहाल। और सेम इसमें भी इंटरेक्टिव फील कॉपी और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ जाएंगे यहाँ पे हटा देंगे और इसको 100 ठीक है, ये इसको ओके कर देंगे, थोड़ा सा सेट कर लेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है, ये फिलहाल ठीक है। और इसमें हम रेड कलर फिल कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ जाएंगे डबल क्लिक करेंगे, अभी हमारा कलर आ रहा है, इसमें कलर डालेंगे 82 75 60 82, ठीक है, उठाएंगे और यहाँ पे हम फिलहाल रखेंगे, ठीक है, ये लोगो सेट आ गया है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इसमें ब्लैक तो नहीं फिल करेंगे, इसमें 50% ब्लैक फिल करेंगे, 50 में नहीं दिख रहा, थोड़ा और लाइट और 40% रखते हैं, 40 आई 30%, ठीक है,
नाम और डेनिनेशन यहाँ पर रख देते हैं और आप लोगों को फ्रंट बताते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे 14 पेटी रखेंगे, ठीक है, और फ्रंट देख कर आप लिख लेना। और ये हमारा फिलहाल ये 8 रहेगा, ठीक है, आप नोट कर लेते हैं। और ये ठीक है, फिलहाल इसको वाइट कर देंगे 30%, ठीक है। ये हमारा देख सकते हैं, इसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और फिर ये सारे को कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। इन सबको भी 30% कर देंगे, ठीक है, इसको की तरफ, ठीक है। इसका फोन साइज हमारा 17 देख सकते हैं, और सेम फोन है इसका, सॉरी ये हमारा थोड़ा सा अच्छा, देखिए इसमें कुछ के साथ ड्रैग करेंगे, इसका आउटलाइन फोन कर देंगे, ठीक है, और इसमें येलो फिल करेंगे, ठीक है, लगा रखेंगे, ठीक है, इसको प्लस करेंगे कॉपी या पेस्ट, कॉपी और पेस्ट करेंगे, ठीक है, इसको ड्रैग करेंगे सेट के, ये ठीक है, और इसमें व्हाइट फिल कर देंगे, ठीक है, और इसको भी सेलेक्ट करके ग्रुप करके यहाँ पे सी और ई करेंगे, ठीक है, इसको डाउन 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 देखते हैं, ये आ गया हमारा, इसमें देखते हैं कौन सा कलर ठीक रहेगा, ये या ब्लैक, फिलहाल तो ये कलर ठीक लग रहा है, रेड, ठीक है। और फिर इस सब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे और प्लस करके प्लस कर लेंगे, और फिर इसको ऑर्डर, ठीक है, सॉरी अलाइनमेंट सी और अलाइनमेंट ई, और फिर ऐड कर देंगे, इस सब्जेक्ट से भी इसको फिर प्लस दबाएंगे, सॉरी प्लस, और फिर यहाँ पे भी सी, ठीक है, इसको भी ऐड कर देंगे,